हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप दैट यू विल बी फाइन एंड स्टडीइंग फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको माइंड मैप समझाने जा रहे हैं। माइंड मैप क्या होता है? एक्चुअली माइंड मैपिंग 3.2 ये ट्वेल्थ में एक यूनिट है। जो क्वेश्चन नंबर आपके ट्वेल्थ के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 का सी सेक्शन है और इसको मार्क्स होते हैं 3। ओके, तो चलिए हम इन शॉर्ट देख लेते हैं कि माइंड मैप होता क्या है। हम उसको इजी लैंग्वेज में आपको समझाते हैं। एक्चुअली माइंड मैप जो होता है ये एक क्रिएटिविटी बेस्ड टेक्निक है किसी भी टॉपिक के सब टॉपिक्स बनाना और उसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ग्राफिकल फॉर्म में होती है, जैसे स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे माय माइंड मैप है। फर्स्ट आइडिया, सेकंड आइडिया, थर्ड आइडिया, फोर्थ आइडिया, यानी एक सेंट्रल फिगर जो होता उसमें एक बीच के सर्कल में एक मेन पॉइंट होता है ना, और उसके सब टाइटल्स आपको अपने जो आइडियाज़ आपके आते हैं उससे रिलेटेड, तो उससे आप उसका मैप तैयार कीजिए, है ना। तो बहुत इजी होता है, जिसमें रैंकिंग होती है, क्लासेस होती है, टर्म्स होती है, ये सारा उनके स्टेटस के एतबार से आपको उसको ब्रांचेस करना पड़ता है। इसमें आप इसमें इसकी रिलेशनशिप बता सकते हैं एलिमेंट्स की। और माइंड मैपिंग एक्चुअली बहुत ही यूज़फुल तरीका है। नेचुरली ये जो है किसी भी काम को कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह हम उसके आइडियाज़ को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, यही माइंड मैप हमको समझाता है। एक्चुअली हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट जो करते हैं तो या तो हम डॉक्यूमेंट्स को रीड करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं या लेक्चर सुनकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। लेकिन लेक्चर सुनकर या डॉक्यूमेंट्स को पढ़कर हम जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो इस इंफॉर्मेशन को पूरी तरह लर्न करने के लिए, समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए या ग्रास्प करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब कभी कभी इंफॉर्मेशन हार्ड होती है, उसके साथ साथ उसको कम्प्लीट तौर पर माइंड में याद रखना बहुत मुश्किल होता है। इसका इलाज है माइंड मैपिंग। ओके, हाँ, क्योंकि यही इंफॉर्मेशन अगर हमको डायग्राम में दी जाए तो उसको ईजीली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, है ना। अब हम देखेंगे कि माइंड मैप का क्वेश्चन किस तरह से आता है। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है COVID-19 का। द गिवन मैप माइंड मैप इज़ अबाउट द इन्फेक्शियस डिसीजेस। जैसे अभी इन्फेक्शियस डिसीज चल रही है COVID-19 है, तो द फोर मेन आइडियाज़ आर स्प्रेड। अब चार आइडियाज़ इसमें दिए हैं, जैसे इसमें फोर आइडियाज़ क्या दिए हैं, स्प्रेड कैसे फैलता है ना। उसके बाद टचिंग इन्फेक्टेड सरफेस, अगर कोई इन्फेक्टेड सरफेस टच करेगा तो फैलेगा, कफ से फैलेगा, है ना। प्रिकॉशंस क्या लेंगे, वियरिंग मास्क, मास्क पहनना पड़ेगा, सैनिटाइज करना पड़ेगा, है ना। कंटेनमेंट जोन, स्टे सेफ्टी, हमको सेफ रखना पड़ेगा, स्टे होम, घर पे रहना पड़ेगा। ट्रीटमेंट क्या है इसके, हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ेगा अपने आप को, या वैक्सीन लेना पड़ेगा, या कम से कम टेस्टिंग करना पड़ेगा, या इम्यूनिटी का ध्यान रखना पड़ेगा, इधर उधर सोशल डिस्टेंसिंग, यानी ये माइंड मैप COVID-19, जैसी COVID-19 हमारे ध्यान में आता है सेंट्रल फिगर, तो उसकी ब्रांचेज हमारे ध्यान में आ जाती हैं। तो वो सारी ब्रांचेज को जो है एक बेस्ट वे में पॉइंट आउट करना, यही माइंड मैपिंग कहलाती है। ओके, तो इस तरह से डिफरेंट क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे है डेवलप ए माइंड मैपिंग फ्रेम डिज़ाइन टू शो द डेवलपमेंट इन योर पर्सनालिटी, है ना। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के जो लास्ट 5 ईयर्स में यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स भी इसमें, जैसे साइकिक, सेल्फ लर्निंग प्रोसेस, कम्युनिकेशन स्किल, सोशल अवेयरनेस एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। हाँ, ये देखिए, ये डेवलपमेंट यहाँ पे बन गया है, डेवलपमेंट इन पर्सनालिटी, ये चार दिए हैं इसके सब ब्रांचेज। जैसे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है तो इसमें फिजिकल, सेल्फ लर्निंग, कम्युनिकेशन स्किल और सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस में क्या आएगा,
पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटीज़ में हम पार्टिसिपेट करें, बॉन्डिंग विद सोसाइटी, हमारा सोसाइटी के साथ एक अच्छा बॉन्ड हो, समाज के साथ एक अच्छा रिश्ता हो। कम्युनिकेशन स्किल में क्या आएगा हमारा, कि हम पब्लिक में अच्छी बात कर सकें, स्पीकिंग हमारी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी हो, अच्छा हम स्पीच कर सकें, लोगों को समझा सकें। और कम्युनिकेशन स्किल में क्या आएगा हमारा, पोलाइटनेस आएगा। ओके, सेल्फ लर्निंग में हम क्या सीखेंगे, सेंस ऑफ आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं। उसके बाद सेल्फ अवेयरनेस है ना। फिज़िकल में क्या आएगा, हम जिस्मानी तौर से बॉडीली हम कब फिट रहेंगे, जब हम स्पोर्ट खेलेंगे, फिटनेस खेलेंगे। तो इस तरह हमने देखा कि माइंड मैप में जो होता है वो जो बीच में सेंट्रल पॉइंट लिखा हुआ है उसका हमारा फर्स्ट एडिया, फिर सेकेंड एडिया, फिर थर्ड एडिया, फिर फोर्थ एडिया है ना, उसको हमको कन्वे करना पड़ता है। और उसके बाद उसके सब आइडियाज़ जो है हमको कन्वे करना पड़ते हैं। अब एक्चुअली माइंड मैप काफ़ी काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में आता है। जैसे समटाइम्स माइंड मैप जो है वो आपको आएगा सर्कल्स में है ना, एक्चुअली क्या में आएगा, सर्कल्स में आएगा, या फिर एरोज में आएगा है ना, या लाइंस में आएगा, या कनेक्टर्स में आएगा, या बलून्स में आएगा, या बॉक्सेस में आएगा, ये कर्व्ड एरोज में आएगा, ये कॉल आउट्स में, स्क्रिबल्स में, स्क्रॉल्स में, एक्सप्लोजन्स में, ये सारे के सारे इसमें आपको ये देखिए, ये सारे आपको बताए चल रहे हैं यहाँ पे। ये इसकी एग्जांपल दी गई है माइंड मैपिंग की, डिफरेंट कनेक्टर्स हैं इसमें, जैसे कनेक्टर्स हैं, बलून्स हैं, कभी बलून्स आते हैं, कभी बॉक्सेज आते हैं, कभी कर्व्स आते हैं, कभी एरोज आते हैं, कॉल आउट्स, स्क्रिबल्स है ना, स्क्रॉल्स। इससे आपको डरना इसलिए नहीं है कि आपको उसमें सेंट्रल फिगर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन क्रिएटिविटी के तौर पे आपके माइंड में आती है वो आपको लिखना है। जैसे एक मेन आइडिया होता है, यहाँ पे देखिए मेन आइडिया है, फिर उसका ब्रांच, फिर उसकी ट्विग, फिर उसकी ट्विग है ना, इस टाइप से आपको उसको करना बहुत इजी होता है। कभी कभी इन केस इन माइंड मैप योर मेन आइडिया इज ऑलवेज एट द सेंटर, यहाँ पे आपका सेंटर होता है, ये देखिए ये उसकी ब्रांचेस है। तो इस तरह से जैसे फॉर एग्जांपल हमको ये बताया गया है कि साहब बेनिफिट्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, समझो यहाँ पे आ गया बेनिफिट्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, कि भाई गेम्स और स्पोर्ट्स के बेनिफिट्स क्या हैं। ये देखिए जैसे फुटबॉल है ना, तो अब इसकी क्या क्या ब्रांचेज रहेंगी, सब टॉपिक्स क्या रहेंगे, रिलेटेड आइडियाज़ क्या रहेंगी, ये देखिए जैसे फेमस फुटबॉलर्स के नाम यहाँ पे आ जाएंगे है ना, फुटबॉल क्लब्स के यहाँ नाम आ जाएंगे, चैम्पियनशिप्स कौन कौन सी है ना, तो ये सबके नाम आ जाएंगे यहाँ पे। तो सेंट्रल फिगर पर अगर हम पूरा फोर्स करें तो इजीली जो है हम सब टॉपिक्स उसके सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान ये क्वेश्चन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया गया है, कंप्लीट द गिवन ब्लैंक स्पेसेस बलून्स विथ योर आइडियाज़ इन फिगर दैट डिस्क्राइब योर बेसिक प्रिपरेशन फॉर द HSC बोर्ड है ना। अब HSC बोर्ड की एग्ज़ाम है तो आपको जो है इसमें वो करना है, मीन्स इसको फिलअप करना है। तो HSC बोर्ड की एग्ज़ाम में हमको क्या क्या करना पड़ेगा, जैसे थ्रू रीडिंग ऑफ ऑल टेक्स्ट बुक हमको रीड करना पड़ेगा है ना, और क्या करना पड़ेगा, HSC प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं, थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन है ना, साइट्स, ऑनलाइन एजुकेशन साइट्स से भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल बायजूस से कर सकते हैं, वेदांतु से कर सकते हैं, एक्स्ट्रा मास से कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या आएगा, ब्लॉग्स ऑफ डिफरेंट लेक्चर्स है ना, डिफरेंट लेक्चर्स के ब्लॉग्स, वीडियोज़ है ना वीडियोज़ ऑफ लेक्चरर्स, उससे हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं एग्ज़ाम की, या टेस्ट्स है ना, टेस्ट से कर सकते हैं, या क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन से कर सकते हैं, या मोस्ट लाइकली क्वेश्चन पेपर्स के डाइजेस्ट हम ले सकते हैं, या नोट्स ले सकते हैं, या इंटरनेट को सर्फ कर सकते हैं है ना। तो ये सारा का प्रिपरेशन जो है हमको यहाँ पे पता चल गया है। तो सारा का मेमोराइजेशन कर सकते हैं, उसके बाद टेक्स्ट बुक पढ़ सकते हैं, ओके, टाइम टेबल बना सकते हैं, मेमोरी टिप्स कर सकते हैं। तो सेंट्रल जो टॉपिक होता है उससे सब टॉपिक्स जो होते हैं वो हमारे ध्यान में आना चाहिए। तो यही इसका जो है बहुत इजी क्वेश्चन होता है माइंड मैपिंग का, इसमें बहुत ज़्यादा कोई हार्ड में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे हम आपको एक एक्टिविटी बता रहे हैं, कंप्लीट द माइंड मैप गिवन बिलो विद द हेल्प ऑफ द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज। अब यहाँ पे क्या है, सेंट्रल फिगर क्या है, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर है ना, लिटरेचर के कितने फॉर्म्स हैं, तो यहाँ पे पैराग्राफ दे दिया गया है उसमें, यहाँ पे दो फॉर्म्स आपको दिए गए हैं, शॉर्ट स्टोरी भी दिया है और पोएट्री भी दिया है ना। अब हमको क्या देखना है इसमें, देयर आर फोर फॉर्म्स, ओके, शॉर्ट स्टोरी है ना, शॉर्ट स्टोरी की टू टाइप्स है, ओके, शॉर्ट स्टोरी टू टाइप्स है, फेरी टेल्स
एंड रियल लाइफ स्टोरी. तो यहाँ पे रियल लाइफ स्टोरी दिया हुआ है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, फेरी टेल्स. ओके, द सेकंड मोस्ट रीड फॉर्म ऑफ द लिटरेचर इज द नावल. देखो यहाँ पे नावल आ गया, यहाँ पे नावल आ जाएगा, है ना. नावल की थ्री टाइप्स है, हिस्टोरिकल ये लिखा हुआ है, उसके बाद साइकोलॉजिकल लिखा हुआ है, देखिए आप वहाँ पे, और आपको क्या लिखना है लास्ट में, रियलिस्टिक. यहाँ पे नावल लिखना है और यहाँ पे रियलिस्टिक वो ब्लैंक छोड़ा हुआ है. और पोएट्री, फिर उसके बाद बता रहा है कि पोएट्री की कितनी टाइप्स है, दो टाइप्स है, एक रियलिस्टिक तो वहाँ पे लिखा हुआ है, और आपको क्या लिखना है वहाँ पे, इमेजिनरी. ओके, लास्ट फॉर्म ऑफ लिटरेचर इज द क्या है, ड्रामा, है ना. ड्रामा टू टाइप्स का है, कॉमेडी लिखा हुआ है तो आपको क्या लिखना है, ट्रेजेडी. ऐसा भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है कि साइड में पैसेज आपको दिया जाए और बाजू में डायग्राम दिया जाए और डायग्राम में कुछ सर्कल्स या बबल्स को वो खाली छोड़ सकता है, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आप लिख सकते हैं. ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे देखिए, गोल फॉर टुमारो, है ना, क्या है, माइंड मैप, हाउ टू प्लान ए गोल फॉर टुमारो. कल के लिए आपको क्या गोल सेट करना है, ये आप खुद करिए. देखिए यहाँ पे क्या है, गोल फॉर टुमारो में स्टडी हार्ड, है ना. तो स्टडी हार्ड कैसे करेंगे, बाय रीडिंग बुक्स, बाय मेमोराइजिंग फार्मूलाज, है ना. मेक गुड फ्रेंडशिप, है ना, कल के बारे में आपका गोल है मेक गुड फ्रेंडशिप. तो अच्छी फ्रेंडशिप कैसे करेंगे, है ना. हाँ, आई विल मेक गुड फ्रेंड्स, आई विल चूज द फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू देयर हैबिट्स, अकॉर्डिंग टू देयर हैबिट्स. उसके बाद बिकम अ ट्रू सिटीजन. हाँ, ट्रू सिटीजन कब बनेगा इंसान, जब आई विल आइडेंटिफाई माय राइट्स, है ना. आई विल सर्व द सोसाइटी, है ना. आई विल क्लीन द प्रीमाइसेस. ओके, फिर बिकम ए सोशल कॉन्शियस, है ना, हेल्प ट्रबल्ड पर्सन्स में सोशल कॉन्शियस. तो ओवरऑल देखा जाए तो माइंड मैपिंग का जो क्वेश्चन होता है वो बहुत ईजी होता है, जैसे बेनिफिट्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स यहाँ पे, है ना. तो उसके बेनिफिट्स लिखना है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बेनिफिट्स क्या होते हैं. फिटनेस होता है, स्टेमिना होता है, एंड्योरेंस होता है, किलर इंस्टिंक्ट होता है, उसके बाद ब्रदरहुड आता है, यूनिवर्सल लव फॉर ऑल आता है, एक्सरसाइज होती है. ऑल दीज थिंग्स आर बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट्स. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे है. अभी देखिए यहाँ पे प्रिपरेशन, यहाँ पे है प्रिपरेशन फॉर द इंग्लिश सब्जेक्ट, ये माइंड मैप बनाइए उसका, है ना. क्या माइंड मैप बनाइए, हाँ, प्रिपरेशन फॉर द इंग्लिश सब्जेक्ट. ये आपको, ये क्वेश्चन आपको नवनीत के डाइजेस्ट में मिलेगा, है ना. हाँ, तो अब हम इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए क्या क्या प्रिपरेशन करेंगे, देखिए राइटिंग स्किल्स, है ना, ये माइंड मैप बन रहा है. राइटिंग स्किल में क्या है, वर्चुअल मैसेज, ग्रुप डिस्कशन, SOP और माइंड मैप, है ना. हो गए चार इसके मेन, यानी ये सब टाइटल के भी सब टाइटल. अब यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन करेंगे हम, तो पहले क्या आएगा, प्रोज, है ना. प्रोज में क्या क्या आएगा, ग्रामर आएगा, वोकेबलरी आएगी, फिर ग्रामर में रिपोर्टेड स्पीच आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, फिर प्रोज में वोकेबलरी भी आएगी, वोकेबलरी में एंटोनिम सिनोनिम भी आएंगे, है ना. फिर अगर हम इंग्लिश की प्रिपरेशन करें तो जाहिर सी बात है नॉवेल भी आएगा. फिर नॉवेल आएगा तो उसके साथ क्या आएंगे, कि उसके साथ कनेक्ट रहेंगे कैरेक्टर, सेटिंग, कन्फ्लिक्ट, स्टाइल, प्लॉट. ओके, फिर अगर प्रिपरेशन फॉर द इंग्लिश सब्जेक्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है पोएट्री भी आएगी. तो पोएट्री में क्या क्या आएगा, पोएटिक डिवाइसेज आएगी, अप्रिसिएशन आएगा. ओके, तो इस टाइप से हमने देखा कि कोई भी क्वेश्चन अगर हमको आता है तो हम उसकी साइड हेडिंग्स और उसकी जो साइड की जो डिटेल्स हैं वो अगर हम अच्छे से देखते रहें तो हमको ये क्वेश्चन करना है ये बहुत ईजी हमको हो जाएगा. माइंड मैपिंग का क्वेश्चन जो है ये हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है. जैसे फॉर एग्जांपल, यू एंड योर फैमिली आर थिंकिंग टू विजिट ए हिल स्टेशन, आपको हिल स्टेशन पे जाना चाह रहे हैं. माइंड मैप बनाइए, कहेगा प्लेस टू विजिट, है ना. प्लेस टू विजिट पहले बना दीजिए, समझो चिकलदरा. मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, आप कैसे जाएंगे, तो बाय कार जाएंगे. अकोमोडेशन, वहाँ पे क्या कहाँ रुकेंगे, तो MTDC क्वार्टर्स, है ना, या प्राइवेट होटल में रुक सकते हैं. स्टफ़ टू कैरी विथ यू, आपके साथ आप क्या क्या ले जाएंगे, टिफ़िन बॉक्स ले जाएंगे, मोबाइल्स, है ना, क्लोथ्स, कैप्स, है ना, शूज़, ऑल मीन्स एंटरटेनमेंट के सारे आर्टिकल्स ले जाएंगे. ओके, एंड एनीथिंग डेट कम इन यूर माइंड रिलेटेड टू इट. और जब हिल स्टेशन पे हम जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो जो भी आपके माइंड में आइडियाज़ आ रही हैं वो सारी की सारी आपको क्या करना है, लिखना है. तो इस टाइप से हमने यहाँ पे देखा है कि ये जो क्वेश्चन है माइंड मैपिंग का, ये बहुत ईजी होता है. इसमें आपको जैसे रोड साइंस है फॉर एग्ज़ाम्पल, है ना, रोड साइंस, है ना, यानी ट्रैफिक सिग्नल्स. तो बेनिफिट ऑफ हेलमेट, है ना, हेलमेट के फ़ायदे, तो बीच में क्या आ जाएगा, बेनिफिट ऑफ हेलमेट, तो साइड में आप हेलमेट के फ़ायदे लिखिए. एडवांटेजेस ऑफ मोबाइल फ़ोन, है ना, मोबाइल फ़ोन के
एडवांटेजेस, तो आप उसको ब्रांचेस कीजिए उसकी, लिखिए एडवांटेज, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस ऑफ मोबाइल फ़ोन, डिसएडवांटेज आप लिख सकते हैं। तो बोलने का मतलब यह है कि माइंड मैप में जो सेंट्रल जो टाइटल होता है उसके, उसको आपको फिगर आउट, उसको उसकी ब्रांचेज आपको निकालना पड़ती है ना। जैसे बीच में आ गया सोशल प्रॉब्लम्स, है ना, क्या क्या सामाजिक समस्याएं हैं, सामाजिक मसाइल क्या हैं, तो आपको उसमें लिखना पड़ेगा क्या क्या सोशल प्रॉब्लम है बताइए। फॉर एग्जांपल पोल्यूशन है ना, पोल्यूशन सोशल प्रॉब्लम है। सेकंड में आपके क्या लिखेंगे, सेकंड आइडिया पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन एक सोशल प्रॉब्लम है ना। उसके बाद डारी, दहेज, ये एक सोशल प्रॉब्लम है, और सुपरस्टिशन, अंधश्रद्धा, ये एक सोशल प्रॉब्लम है, करप्शन, ये एक सोशल प्रॉब्लम है, चाइल्ड लेबर, ये एक सोशल प्रॉब्लम है ना। तो इस टाइप से आप सोशल प्रॉब्लम्स में बहुत सारा लिख सकते हैं। तो माइंड मैप, डियर स्टूडेंट्स, माइंड मैप इज़ ए वेरी इजी क्वेश्चन एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको हार्ड कंसीडर कर लेते हैं, बट इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। ये आपकी क्रिएटिविटी को क्या करता है, थोड़ा सा तेज़ करता है ना। तो क्रिएटिविटी को अगर कोई क्वेश्चन हमारे जगा रहा है तो दैट क्वेश्चन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, तो वो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। एक्चुअली स्कूल्स में क्रिएटिविटी किल होती है ऐसा कहा है, लेकिन माइंड मैप हमारी क्रिएटिविटी को क्या करता है, और ज़्यादा शार्प करता है ना, और ज़्यादा शार्प करता है। और किसी भी चीज़ को मेमोराइज़ करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, तो अगर कोई आप किसी चीज़ को, किसी फार्मूला को या कोई टॉपिक को आप इजीली अगर मेमोराइज़ करना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, तो आप उसका माइंड मैप बनाइए, दैट टॉपिक विल बी वेरी इजी फॉर यू। तो आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड द आइडिया बिहाइंड द क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आपने ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो उसको सॉल्व कर लिया होगा। तो इस तरह के और राइटिंग स्किल्स की वीडियोस हम आपको अभी डालते रहेंगे। आप हमारे चैनल इंग्लिश एंड पर्शियन बाय रहबर सर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि आपको ऑटोमेटिकली ये सारे नोटिफिकेशंस आते रहें। आप अच्छी पढ़ाई कीजिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन। ओके, थैंक यू।